अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, हमारे पास ये अभी ओवन आया था रिपेयर होने के लिए। इसमें बड़ा टिपिकल सा एक मसला था, इसकी ये नॉब ना फ्री हो गई थी। यहाँ पे जो नॉब है वो फ्री हो गई थी, जिसकी वजह से सिलेक्टर सही काम नहीं करता था, मिनट सेलेक्ट नहीं होते थे, वो फ्री हो गई थी। तो इसको हमने चेक किया है सारा, और तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये नॉब इसकी फ्री थी। इसको हमने रिपेयर किया है, ये देखें, एक ये आपको नज़र आ रही होगी, ये प्लास्टिक की है, कैमरा फोकस नहीं कर रहा, हाँ ये वाला। इसमें मैंने एक रिंग बना के डाला है ताकि ना ये जो साइडों से टूटी हुई नज़र आ रही है तीन तरफ से, ताकि ये दोबारा फ्री ना हो। इसमें ये एक रिंग डाला है कटिंग करके, ये देखें। तो ये अक्सर आती रहती हैं, कई ऐसे भी आते हैं जिनमें कोई पीस ही नहीं होता उसमें, तो हम उसमें भी कोई टेक्निक लगा देते हैं, क्योंकि हमारा रोज़ का काम है। ये इसमें से हमने ये स्ट्रिप काटी थी, ठीक है, और एक ख़ास तरीके से उसको बेंड करके ये हमने अब इसे चेक किया है मैंने, तो वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है। ये एलजी का ओवन है, एलजी के, ये नेम प्लेट है इसकी, मॉडल है माइक्रोवेव अप्लाइंस, मॉडल नंबर MS283TD, इनपुट 230, माइक्रोवेव जो इसमें है गन वो 1300 वाट की है, ठीक है। ये सारी सूरत हाल है, ये अब चेक कर लिया मैंने, A1 हो गया ये। तो ऐसे छोटे छोटे मसले आते रहते हैं, जब आप किस टेक्नीशियन के पास लेके जाते हैं तो वो दुरुस्त करने के लिए बैठे होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके।